सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो इस वीडियो में तुम लोग को पांच ऐसे गेम्स मिलेंगे जो कि यार 2023 के सबसे बेस्ट गेम्स होने वाले हैं। एंड उसके साथ साथ वो पांचों में अलग अलग कैटेगरी वाले गेम्स बताने वाले हो, तो तुम लोग को लिटरली गेम्स बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। एंड जो भी टॉप 5 की इस वीडियो पे आया है, तो 100% तुम लोग को इन पांचों में से एक ना एक गेम पसंद आने ही वाला है। अब इतने दिन से चैनल पे अपलोड्स बंद थे बिकॉज यार चैनल पे स्ट्राइक था, एंड मैं भी क्या करूँ यार अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मैंने संडे को GTA 5 का गेम प्ले अपलोड किया। अगर तुम लोग ने अभी तक नहीं देखा तो जाके वो भी देख लेना, पर सबसे पहले इस वीडियो को देख लो, ठीक है। तो अब देखो, एक चीज़ है कि मैं महीने या दो महीने के अंदर एक टॉप 5 की वीडियो बनाता हूँ, तो आई होप तुम लोग को वो पसंद आती होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने सारे एफर्ट्स डाल देता हूँ एक एक गेम को अच्छे से फाइंड करने में। एंड उसके साथ साथ हर एक गेम का जुगाड़ भी तुम लोग को कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करता हूँ। एंड अब की बार भी तुम लोग को हर एक गेम के जुगाड़ कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो तुम लोग वहाँ से इन्हें जो भी कहते हैं वो कर सकते हो। मैं उसका नाम नहीं दूंगा वरना फिर से भाई स्ट्राइक इश्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एक ही चीज़ कह लूँ, वीडियो को स्किप मत करना वरना तुम लोग हर एक गेम में से कुछ ना कुछ पार्ट मिस कर दोगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटे से फ्लैशबैक के साथ। लेट्स स्टार्ट इट। सो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे हाई ग्राफिक गेम के साथ जिसका नाम है पॉकेट हेयर वी गो। एंड ये गेम लिटरली बहुत ज़्यादा बेस्ट गेम है। एंड अभी तक मैं इस गेम को लगभग 4 से 5 बार तुम लोग को रिकमेंड कर चुका हूँ, क्योंकि भाई इस गेम के सच्ची में ग्राफिक बहुत अच्छे हैं। एंड पोकेमॉन वर्ल्ड से भी अच्छे इसके ग्राफिक मेरे को लगते हैं। एंड बाकी तुम लोग को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना। एंड पहले ये गेम प्ले स्टोर पर अवेलेबल था, बट ये अभी प्ले स्टोर पर नहीं है, तो तुम लोग मेरी कमेंट बॉक्स वाली लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हो एंड देन इसको आप प्ले कर सकते हो। अब इस गेम के जो विजुअल्स हैं एंड बाकी भाई एनिमेशन स्टाइल वगैरह जो भी है बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड अगर तुम लोग चाहो तो इस गेम को प्ले कर सकते हो। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ तुमको इस गेम को प्ले करो, वरना हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम आने वाले की तरफ, जो कि एक अलग कैटेगरी का है, जो कि माइनक्राफ्ट के टाइप का गेम है। उस गेम का नाम है पिक्सल मॉन पोकेमॉन एडिशन। अब इस गेम को लिटरली इतने दिन से लोग बताए जा रहे, बट मैंने इसको एक ही बार अपने वीडियो में बताया था, बट फिर अब मैं तुम लोग को इस गेम के बारे में बताता हूँ। तो इस गेम में यार पूरा माइनक्राफ्ट जैसा सीन होगा एंड हमारा कैरेक्टर के पास भाई पोकेबॉल वगैरह होंगे एंड पूरी दुनिया में पोकेमॉन्स होंगे, तो हमें उन्हें कैच भी करना होगा एंड हम यहाँ पे सर्वाइव भी कर सकते हैं। लाइक माइनक्राफ्ट के टाइप ही हमें होगा, बट इसमें हम लोग को पोकेमॉन भी कैच करने को मिलेंगे एंड बड़े बड़े लेजेंडरी पोकेमॉन, और उसके साथ भी हम लोग प्ले कर पाएंगे। तो तुम लोग अभी तक पिक्सल मॉन का कोई गेम प्ले नहीं किए हो या फिर कुछ ऐसा सीन है, तो तुम लोग इसे गेम को लिटरली प्ले करो एंड तुम लोग को ये 100% पसंद आने वाला है। अब नेक्स्ट गेम की बात करें, नंबर 3 पे आने वाली, उस गेम का नाम है पोकेमॉन एक्स एंड वाई। अब ये एक एमुलेटर गेम है, तो इसको प्ले करने के लिए तुम लोगों को कमेंट बॉक्स के लिंक से गेम एंड एमुलेटर दोनों जुगाड़ करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ अब देखो, तुम लोग अगर पोकेमॉन एक्स एंड वाई की सीरीज़ के फ़ैन हो तो तुम लोग को ये गेम प्ले करना चाहिए। बाकी इस गेम के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस गेम को सब लोग जानते ही हैं। इस गेम को इस वीडियो में लेने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मुझे अलग अलग कैटेगरीज़ के गेम्स चाहिए थे लाइक पोकेमॉन में भी, तो इसलिए मैंने अगर 3DS कैटेगरी के गेम्स के साइड जाए एंड सबसे बेस्ट गेम की बात करें तो दो ही गेम निकलते हैं, सन एंड मून एंड एक्स वाई, बट उन दोनों में से एक्स वाई को मैंने सिलेक्ट किया। आप लोगों क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब बात करते हैं नंबर 2 पे आने वाले गेम की, जो कि प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। इस गेम के नेम तो बार-बार चेंज होते रहते हैं, बट फिलहाल इस गेम का नाम है पोकेमॉन मॉन्स्टर अलोहा। एंड इस टाइप के इसके गेम्स के मतलब क्या होता है, प्ले स्टोर वाले गेम्स जो कि ऑफिशियल नहीं होते, तो इसलिए उन पे नाम चेंज होते रहते हैं। तो तुम लोग प्ले स्टोर पे अलग अलग नाम से देखते रहोगे, लाइक अभी पोकेमॉन वर्ल्ड किसी और नाम से एंड देन उसके बाद कुछ और नाम उसका चेंज करके वो चेंज हो जाता है, तो इसलिए कभी कभी लिंक्स में देता हूँ जो कमेंट बॉक्स में वो भी एक्सपायर हो जाती है। तो इसलिए मैं तुम लोग को ये बोलता हूँ, इस गेम को तुम लोग प्ले स्टोर से ही करो ओपन, या फिर अभी तो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, अगर वो चेंज हो गया तो देन आप अपने हिसाब से इसे ढूंढ लेना, क्योंकि यार लिंक्स तो चेंज होती रहती है एंड उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब नंबर 1 पे आने वाले गेम से पहले एक बोनस गेम जो कि सब लोग को पसंद है प्ले स्टोर वाला, एंड उस गेम का नाम है पोकेमॉन यूनाइट। एंड जब प्ले स्टोर भी साथ हो एंड टॉप 5 की बात हो रही हो तो भाई पोकेमॉन यूनाइट हमेशा ऊपर रहता है, तो इसको भी मैं बोनस में तुम्हें देना चाहूँगा। अगर किसी को पता नहीं है पोकेमॉन यूनाइट क्या है, तो भाई प्ले स्टोर पे गेम अवेलेबल है, वहाँ से तुम लोग इसे प्ले
कर सकते हो। अब नंबर वन पे जो गेम है उस गेम का नाम है पोकेमोन थाथू। अब देखो नंबर वन पे जो गेम है उसका नेम थोड़ा अजीब है, बट फिर भी भाई गेम एक नंबर है। एंड सच बताओ इस गेम का फुल क्रेडिट जाता है क्रेजी गेमर्स भाई को, जिनका चैनल फिलहाल नहीं है, उनके चैनल का नाम अभी है पोके लड़का। अब उनकी वजह से मुझे एक गेम मिला था, तो उनकी लिंक भाई कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसके चैनल के लिंक, जाके एक बार चेकआउट करो। वो भी भाई डेली पोकेमोन गेम्स के रिलेटेड न्यू अपडेट्स लगाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें आपको सरीना देखने को मिलेगी, एस का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ भाई एक पोकेमोन की दुनिया होगी, उसमें तुम लोग यार आगे पीछे जा सकते हो एंड प्ले कर सकते हो गेम को। अब तुम लोग अगर एक पोकेमोन लवर हो जिसको इस टाइप की गेम्स पसंद है तो तुम लोग इसे प्ले कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में इसकी भी लिंक दे दूंगा। एंड अब देखो इसकी लिंक का क्या सीन है कि ये वर्क तो कर जाएगा, बट किसी किसी में शायद सर्वर इशू हो सकता है, तो वो अपने रिस्क पे प्ले करो एट योर ओन रिस्क, ठीक है। ओके, अब सब गेम्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे गेम्स बताए वो कि तुम लोग को 100% पसंद आए होंगे। एंड किसी बंदे को पसंद ना आए हो तो कमेंट बॉक्स में आगे मुझे गालियाँ दे सकता है। एंड पर्सनली कुछ ज़्यादा बातचीत हो तो इंस्टाग्राम पे रियोफ्लिक्स लिख के सर्च कर लेना, फर्स्ट पे आएगी इंस्टाग्राम आईडी, उसमें आके मैसेज कर देना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दक्षित वीडियो अपलोडिंग पे लगा दे।